नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आ जाइए सभी लोग क्लास में। क्लास का टाइम हो चुका है और आज के इस क्लास में आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो दोस्त छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। आज के इस क्लास में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे, जो कल बच गए थे वो क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। कल आप लोगों को इसका पीडीएफ नहीं मिला था, तो आज इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन कल कहाँ तक कर लिए थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 30 क्वेश्चन कर लिए थे, 30 क्वेश्चन कर लिए थे। 31वां नंबर देखते हैं, 31वां नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको, तो पहले कल के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था, एक आध क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे ये है आपका एक क्वेश्चन, ये था पूसा बोल्ड किस्म है। तो पूसा बोल्ड किसकी किस्म है ये आप लोगों को भी पता है। पूसा बोल्ड जो है वो इंडियन मस्टर्ड की वेराइटी है, लेकिन इंडियन मस्टर्ड यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं दिया है। तो मस्टर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो मस्टर्ड को तोरिया के नाम से भी तो जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग इंडियन मस्टर्ड ही ढूंढते रहेंगे तो आप लोग गलत कराएंगे, क्वेश्चन किसी और पे लगा देंगे, भूरी सरसों या पीली सरसों पे लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको तोरिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये हमने उस पर रिप्लाई भी दे दिया था, वो कमेंट कर रहा था तो उस पर रिप्लाई भी दे दिया था, तो वहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा। और एक का क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन एक प्याज की वो बीज दर वाला था। ये है प्याज की रोपाई हेतु बीज दर कितनी होती है, तो वो 8 से 10 किलोग्राम बता रहा था। 8 से 10 किलोग्राम नहीं होती है, दो होती हैं केवल, 10 से 12 किलोग्राम और 12 से 15 किलोग्राम। 8 से 10 किलोग्राम कोई नहीं होती है, तो आप लोगों को यही दो याद करनी है, 10 से 12 और 12 से 15। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। 10 से 12 जो रखते हैं वो खरीफ में रखते हैं और 12 से 15 रबी में रखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, यहाँ पे जो कुछ भी कराया जाता है सब कुछ सही से ही आंसर बताए जाते हैं। तो आप लोग अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना सीखिए। यहाँ पे जो कुछ भी बताया जाता है सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से ही बताए जाते हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे गलत पढ़ाया जाता है तो वो यहाँ से छोड़ के कहीं और पढ़ सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो जो कुछ भी यहाँ पे कराया जाता है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप लोग को ऑप्शन नहीं देखते हैं, केवल एक क्वेश्चन का आंसर रट लिए हैं, बस उसी के हिसाब से चलते हैं। फिर यूपी के टेट में अगर वो ऑप्शन नहीं आया तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर लगाना सीखिए। तो ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आज का, भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय सरसों को इंग्लिश में इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय सरसों का साइंटिफिक नेम सब लोगों को पता होगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रैसिका जेंसिया, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ब्रैसिका जेंसिया इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, खरीफ दालों में भारत की मुख्य फसल कौन सी है। खरीफ दालों में भारत की मुख्य फसल कौन सी है, तो इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। भारत खरीफ दालों में भारत की मुख्य फसल कौन सी है। इसमें खरीफ की दो फसलें हैं, ये चना है, ये तो आपकी रबी की फसल है, चना तो आपकी रबी की फसल है, उड़द और मूंग ये दो हैं खरीफ की फसल। तो इनमें से आप लोग आंसर बताइए कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है दालों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, रचना स्वाथी शिका अपर्णा सपना ये किसकी किस्म है। तो ये सब किसकी हैं, ये सब मटर की किस्म है। किसकी किस्म है, मटर की। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायसम शटाइवम, पायसम शटाइवम। पायसम चटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, संकुल मक्का की बीज दर है, संकुल मक्का की बीज दर कितनी होती है। तो संकुल मक्का की बीज दर रखते हैं 16 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 16 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर संकुल के लिए रखते हैं। और 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर किसकी रखते हैं, तो ये हाइब्रिड की रखते हैं। हाइब्रिड की जो सीड रेट होती है वो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, और ये 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर चारा के लिए रखते हैं, चारा हेत। चारा के लिए मक्के की बीज दर कितनी रखते हैं,
यानी चारा के लिए ग्रो करना है मक्के को, तो उसकी बीज दर सीड रेट होगी 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका HCN पाया जाता है। HCN किस में पाया जाता है? चना में, बाजरा में, ज्वार में या मक्का में? ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन डेली का डेली तैयार करते चलिए। ये एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को ना आए। इसलिए जब हम क्लास कराते हैं, अगर सब लोग लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में तो आप लोग इसको देख लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। कल आप लोगों को इस पे पीड़ ग्रुप पे कुछ अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे, ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग उन पे जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्वेश्चन भी आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं वो वही सिलेक्ट किए जाते हैं जो क्वेश्चन यूपी गेटेड में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को उस पर मिले वो सब क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलें। PDF तो मिल ही जाता है, अलग से भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली नहीं तो एक दो दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कल आप लोगों को क्वेश्चन मिले थे। और आप लोगों को एक GK का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। उससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उसी से फंसते हैं, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन उसी से फंसते हैं। तो वो टॉपिक का PDF बना के भी आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, जो लोग पेड ग्रुप में हैं उसमें पहुंचा दिया जाएगा वो भी, तो आप सभी लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं। तो वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा उसी पेड ग्रुप में। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, पहली बार आए हुए हैं, उनसे सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो आवश्यक सूचनाएँ पहुँचाई जाती हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। और जिन लोगों को PDF चाहिए और इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ये एक टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप लोगों को मैसेज करनी है यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को PDF दिया जाएगा और ये नोट्स वगैरह, तो उस सब प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर। आप लोग सोचते होंगे कि ये हम डेली क्यों बताते हैं, तो आप लोगों को बता दें डेली हम इसलिए बताते हैं कि हमसे डेली नए बच्चे जुड़ते हैं, तो नए बच्चे जुड़ते हैं उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, और वो लोग भी अगर लेना चाहते हैं पेड ग्रुप तो वो लोग ले सकें। जिसको नहीं लेना है उससे हम नहीं कहते हैं कि आप लोग ज़रूरी है कि लें नहीं, अगर जिसको चाहिए PDF वगैरह जिसको चाहिए तो वो लोग इस ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब से ही काम करना चाहते हैं वो यूट्यूब से ही कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम अलग से, जो हम अलग से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों को वो कंटेंट भी चाहिए तो वो लोग स्पीड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो अब ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है ये। और हाँ बता दें, इस नंबर पे आप लोगों को केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है आपको, केवल मैसेज करनी है, क्योंकि ये जो सर हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, तो आप लोग इनको डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। केवल मैसेज करेंगे आप लोग, जब सर को टाइम मिलेगा तब आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए तो अब हटाते हैं इसको। ये आपका HCN किस में पाया जाता है? तो HCN आपका पाया जाता है ज्वार में, HCN ज्वार में पाया जाता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है निम्न में मूंगफली की अर्ध गुच्छेदार किस्म है, मूंगफली की अर्ध गुच्छेदार किस्म कौन सी है? तो ये है टाइप 64 जो है वो मूँगफली की अर्ध गुच्छेदार किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? मूंगफली का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? भारत में, ब्राज़ील में, अफ्रीका में, चीन में? तो सभी लोग आंसर करिए इसका एक बार फटाफट, मूंगफली का ओरिजिन प्लेस तो ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है, इनमें से कौन सी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाते हैं? गन्ना, कपास, तम्बाकू या सूरजमुखी? तो तीनों ऋतुओं में इनमें से उगाया जाता है सूरजमुखी, सूरजमुखी जो है वो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। और क्या उगाया जाता है? तो और मक्का ऐसी किस्म है जिसको तीनों ऋतुओं में उगाते हैं, मक्का। आप लोगों से पूछ लिया है, सूरजमुखी ऑप्शन ना हो, मक्का ऑप्शन हो तो मक्का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है आपका कपास के धागों में अश्मान गांठ का बनना क्या कहलाता है। कपास के धागों में जो गांठें बन जाती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मैपिनेस। क्या बोलते हैं? मैपिनेस। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। यह है आपका बरसीम के एक किलोग्राम बीज के लिए राइजोबियम की मात्रा कितनी रखते हैं। बरसीम के एक किलोग्राम बीज के लिए राइजोबियम की मात्रा कितनी रखते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार बता भी चुके हैं, तो आप सभी लोगों का इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। आप सभी लोग आंसर करिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। एक किलोग्राम, देखो राइजोबियम का जो एक पैकेट होता है वो 200 ग्राम का होता है। एक पैकेट 200 ग्राम का होता है। ये जो है वो 10 किलोग्राम सीड को ट्रीट करता है, 10 किलोग्राम सीड को ट्रीट करता है। तो एक किलोग्राम के लिए कितना रखेंगे, जब 10 किलोग्राम के लिए 200 ग्राम है तो एक किलोग्राम के लिए 20 ग्राम रखेंगे। आप लोग इसको भी याद करेंगे कि राइजोबियम का जो एक पैकेट होता है वो 200 ग्राम का होता है, 10 किलोग्राम के लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है, तो इसको इंग्लिश में ब्लाइंड होइंग बोलते हैं। इंग्लिश में ब्लाइंड होइंग बोलते हैं। तो अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग किस में की जाती है, तो ये की जाती है आपके गन्ने में। किस में की जाती है, गन्ना में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और क्या क्या किया जाता है इसमें, अर्थिंग अप की जाती है। अर्थिंग अप और किस में की जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। अर्थिंग अप और किस में की जाती है, किस वेजिटेबल में अर्थिंग अप की जाती है, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर कर दिया करो, जिससे जो साथी इनको नहीं पता है कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं यूपी कैटेट की, उन लोगों को भी पता चल सके, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन ले सकें। तो आप लोग क्लास को शेयर किया करिए, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करिए। देखो लाइक करने से क्या होता है, अगर आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारी जो क्लास है वो ऊपर रैंक करेगी, जिससे जो साथी नहीं जुड़े हैं हमसे तो वो लोग भी जुड़ सकेंगे, उन लोगों को भी पता चल सकेगा। वो अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूपी कैटेट के नाम से कुछ भी सर्च करेंगे, तो उन लोगों के पास हमारी क्लास पहुंच जाएगी। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ऊपर रैंक करेगी, तो उन लोगों के पास पहुंच जाएगी, तो वो लोग भी देख सकते हैं वहाँ से। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, जिससे आपके लाइक से और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोगों का आंसर आ चुका है, अर्थिंग अप किस में की जाती है, तो अर्थिंग अप ये आपकी आलू में की जाती है। आलू में तो अर्थिंग अप की जाती है। आलू में जो मिट्टी चढ़ाते हैं वो उसको क्या कहते हैं, इसको अर्थिंग अप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका गन्ने का अंकुरण परसेंटेज होता है। गन्ने का जो अंकुरण परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 70 से 80%। 70 से 80% अंकुरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है आपका तंबाकू की एक हेक्टेयर की रोपाई है तो पौध डालनी चाहिए। तंबाकू की अगर एक हेक्टेयर की रोपाई करनी है तो उसके लिए कितनी पौध डालेंगे। सभी लोग आंसर करिए इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये, तो सब लोग आंसर करिए। तो ये डालेंगे तंबाकू के, आप लोग याद कर लीजिए, तंबाकू के एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए पौध डालते हैं 100 मीटर स्क्वायर पौध डालते हैं। तो एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, एक हेक्टेयर में होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर में। तो यहाँ पे हेक्टेयर में पूछ रहा है, तो हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 10,000 अपॉन 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1 अपॉन 100 हेक्टेयर। यहाँ पे ये 100 ऊपर लिखेंगे और 10,000 नीचे लिखेंगे, तो कितना हेक्टेयर आ जाएगा, 1 अपॉन 100 हेक्टेयर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वैसे आप लोग ये याद कर लीजिए कि एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए तंबाकू के कितनी पौधे डालते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर। और आप लोगों से पूछा जाता है धान की एक हेक्टेयर रोपाई के लिए कितनी पौधे डालते हैं, तो धान के लिए डालते हैं 1/10 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर या 1000 मीटर स्क्वायर।
1000 मीटर स्क्वायर या 1/10 हेक्टेयर, ये डालते हैं धान की रोपाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका अच्छे तंबाकू की राख का रंग होना चाहिए। अच्छे तंबाकू की राख का रंग होना चाहिए, तो अच्छे तंबाकू की राख का रंग कैसा होता है? जो अच्छी तंबाकू होगी उसके राख का रंग होगा, सभी लोग आंसर करिए इसका जल्दी से। तो इसके राख का रंग जो होता है वो होता है सफ़ेद, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है निम्न में द्वितीयक खनिज है, निम्न में द्वितीयक खनिज कौन सा है? तो द्वितीयक खनिज कौन सा है यहाँ पे, द्वितीयक खनिज का उदाहरण यहाँ पे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लवणी मृदा में विनिमय सोडियम होता है, लवणी मृदा में विनिमय सोडियम कितना परसेंट होता है? तो ये होता है लेस देन 15%, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साइन तो आप लोग समझते होंगे, ये ऐसे लगा है तो इसका मतलब है लेस देन 15, और ये जैसे दूसरा साइन है ये साइड को लगा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोर देन 15। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ये है प्राकृतिक मृदा कड़पुंज कहलाता है, प्राकृतिक मृदा कड़पुंज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेड़, क्या कहलाता है? पेड़ कहलाता है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सॉइल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये है साधारण आँख से ना दिखाई देने वाला मृदा क्षरण कौन सा है? तो यानी हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो मृदा क्षरण कौन सा है? परत क्षरण। ऊपर की जो बहुत पतली लेयर होती है वो वायु के द्वारा ऐसी या किसी अन्य माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको हम परत क्षरण बोलते हैं। इसको हम अपने साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं, और ये जो परत क्षरण होता है ये बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है, क्योंकि जो ऊपर लेयर होती है वो ही फर्टाइल होती है, तो इस क्षरण से फर्टाइलिटी कम हो जाती है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है इस परत क्षरण से। इसको इंग्लिश में सीट रोजन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा क्षरण का तो मतलब समझते ही होंगे आप लोग, मृदा का एक स्थान से मृदा का कटना, यानी कि मृदा का कटाव जो होता है पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मृदा क्षरण बोलते हैं, इंग्लिश में सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवांश पदार्थ में कार्बन परसेंटेज कितना होता है? तो जीवांश पदार्थ में कार्बन का परसेंटेज होता है 58%, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है MOP में K2O परसेंटेज, MOP में K2O कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, MOP का पूरा नाम क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें जो K2O या पोटेशियम कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 60%, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है किस कल्टीवेटर का इस्तेमाल बुवाई में होता है? कौन इनमें से कौन सा कल्टीवेटर है जिसका इस्तेमाल बुवाई में करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जल्दी से आंसर करिए इसका, थ्योरी क्लासेस में बताया गया था आप लोगों को। तो किस कल्टीवेटर का इस्तेमाल बुवाई में होता है? तो ये होता है वाहवा कल्टीवेटर का इस्तेमाल बुवाई में होता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है डिस्क हैरो के तवे का व्यास है, डिस्क हैरो के तवे का व्यास कितना रखते हैं? तो ये रखते हैं 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके अभी किसके क्वेश्चन चल रहे हैं? तो ये इंजीनियरिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये स्प्रिंग में प्रयोग होने वाली स्टील है, स्प्रिंग में कौन सी स्टील प्रयोग की जाती है? तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका एक बार फटाफट, आप सभी लोग आंसर का आ जाना चाहिए। स्प्रिंग में कौन सी स्टील प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग में जो स्टील प्रयोग करते हैं वो है मैग्नीज, मैग्नीज। स्प्रिंग में कौन सी स्टील प्रयोग करते हैं? वो होती है मैग्नीज प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, टंगस्टन है, मैग्नीज तो कहीं है नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए कौन सी यूज करते हैं, तो मैग्नीज यूज करते हैं, मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यह कौन सी जुताई सबसे अच्छी जुताई है, कौन सी जुताई सबसे अच्छी जुताई होती है, गर्मी की, जाड़े की, बरसात की, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो इसमें होगा नहीं। आप लोग जल्दी से आंसर करिए, इन तीन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो जो गर्मी की जुताई होती है वो सबसे बेस्ट होती है, गर्मी की जुताई सबसे बेस्ट होती है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मिट्टी पलट हल द्वारा जुताई से, मिट्टी पलट हल द्वारा अगर जुताई करेंगे तो किसान को कितना पैदल चलना पड़ेगा, एक हेक्टेयर खेत की जुताई करने में किसान को कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होना चाहिए, आंसर कर दीजिए फटाफट, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा, 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के कोलू में बेलनों की संख्या कितनी होती है? तो गन्ने के कोलू में 3 बेलन पाए जाते हैं, कितने बेलन पाए जाते हैं, 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये है आपका प्रथम ट्रैक्टर जिसका निर्माण भारत में हुआ। तो भारत में कौन से ट्रैक्टर का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, सोनालिका, एस्कॉर्ट, हिंदुस्तान, या ए एंड बी बोथ? तो सबसे पहले जो भारत में ट्रैक्टर बना था, वो था हिंदुस्तान। आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको कहीं पे आप लोग नोट कर लीजिए, भारत में बनने वाला प्रथम ट्रैक्टर कौन सा था, तो वो था हिंदुस्तान। बहुत लोग इसका आंसर ए एंड बी बोथ लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले जो ट्रैक्टर बना था वो था हिंदुस्तान। तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, कहीं पे आप लोग पेन कॉपी लेके तो बैठे ही होंगे, तो उस पे आप लोग नोट कर लीजिए इसको, सर्वप्रथम भारत में किस ट्रैक्टर का निर्माण हुआ था, तो यह था हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है फल वाटिका ट्रैक्टर की कार्य क्षमता कितने हॉर्स पावर होती है? तो फल वाटिका ट्रैक्टर की कार्य क्षमता कितनी होती है, आप सभी लोग आंसर करिए एक बार। तो इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो 2 से 12 HP होती है, 2 से 12 HP या 2 से 12 हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यह है पंप से हवा को निकालना क्या कहलाता है, तो पंप से हवा निकालने की क्रिया को प्राइमिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस यहीं पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। यह है सिंचाइयों में सबसे प्रचलित है, सबसे प्रचलित विधि कौन सी है सिंचाई में, सिंचाइयों की, तो सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? देखो, एक सरफेस इरीगेशन मेथड होता है, एक सब सरफेस इरीगेशन मेथड होता है, 4 विधियाँ होती हैं सिंचाई की। सरफेस इरीगेशन मेथड होता है, सब सरफेस इरीगेशन मेथड होता है, और स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम होता है, और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम होता है। तो सरफेस इरीगेशन मेथड में कई विधियाँ आती हैं, जैसे बाढ़ विधि, चेक बेसिन विधि, पट्टी विधि, बेसिन विधि, ये सब आपकी सरफेस इरीगेशन मेथड में आती हैं। तो सबसे जो प्रचलित विधि है वो है आपकी चेक बेसिन, चेक बेसिन, इसको हिंदी में क्यारी विधि बोलते हैं। तो सबसे प्रचलित जो विधि है वो है आपकी चेक बेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और चलिए अब आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, और डेली यहाँ पे 8 बजे डेली क्लास चलती है, संडे को भी क्लास होती है, संडे की भी अब छुट्टी नहीं रहती है। और जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को हम बता दें कि यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके ये सारी क्लासेस देख सकते हैं, उसमें ये सारी क्लासेस के वीडियो अपलोड हैं, तो उसमें ये सारी क्लासेस देख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। उसका जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज, आप सबको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उससे आप लोग क्या करेंगे, उससे आप लोगों को PDF अलग दिया जाएगा, आंसर शीट अलग दी जाएगी। तो पहले आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कल वाले और आज वाले दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आंसर शीट से आप लोग आंसर मिलाएंगे। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होता है, दो दो बार आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, एक बार यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, एक बार PDF मिल जाता है तब प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम PDF में आंसर टिक करके नहीं देते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और ये PDF केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन है, उन्हीं लोगों को PDF मिलेगा। और जो लोग और जो कोई ज्वाइन होना चाहता है पेड ग्रुप में, तो उसको प्रोसेस के बारे में बता दें, जिसको ये सब नहीं पता है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को पहले तो ये बता दें कि व्हाट्सअप ग्रुप की और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पहले तो आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए,
जिससे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और जिन लोगों को नहीं पता है कैसे पीडीएफ मिलता है, कैसे पेड ग्रुप क्या है, कैसे उसमें ज्वाइन होना है, क्या क्या मिलता है उस पर, तो आप लोगों को बता दें। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9720802028 9720802028 ये एक टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप लोग यहीं कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को केवल पेड ग्रुप से रिलेटेड मैसेज करनी है। क्या मैसेज करेंगे, यूपी कैटेट पीडीएफ 2022 लिखकर मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दिया जाएगा, और आप रास्ते पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के अलावा क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है उस पर। आप लोगों को बता दें, जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं उन लोगों को बता दें, जो जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों को उस पेड ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। उससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक आप लोगों को उस पर सेंड कर दिया जाएगा। 2-4 दिन में या 1-2 दिन में आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो 3-4 पेज का पीडीएफ होगा वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। 3-4 पेज से ही 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए, तो हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।